हेलो मित्रों, लर्न स्टॉक मार्केट में और ब्रेकआउट स्टॉक में आज लेके आए हैं MMTC लिमिटेड। जैसे कि पहले बताते रहे हैं कि हम अब जो है मार्केट बताएंगे भी, स्टॉक के बारे में बताएंगे और आपको सिखाएंगे भी कि एक तो स्टॉक बता दिया आपको कि ये जो स्टॉक है आपका ये ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। एक तो ये ब्रेकआउट होने वाली है, आप मतलब पैसा बना सकते हो आप। उसके बाद साथ में आपको हम सिखाएंगे भी, ठीक है। सीखो ताकि और पैसा बनाओ, सीख भी लो ताकि कल को आपको भी स्टॉक दिए तो उस पर आप स्टॉक पे काम कर सकें, अपने आप ले सकें और पता कर सकें क्या स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ से एंट्री बनती है और कहाँ से टारगेट बनते हैं। तो उसी में एक और पार्ट लेके आए हैं, तो शुरू करते हैं। अभी हमें स्टॉक दिख रहा होगा MMTC, एक वीक का लगा रखा है, ठीक है। उसके यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इसमें क्या है, पहले बता देता हूँ मैं क्या क्या लूँगा, लाइन बाद मतलब लाइन बाद में लगाऊंगा सारी, पर मैं खाली पहले से बता देता हूँ एक हम क्या क्या लेने वाले हैं। पहले हम लेंगे ट्रेड लाइन, लेंगे यहाँ से जो यहाँ होगी, इस पॉइंट इन पॉइंट को टच करेगी, इन पॉइंट को टच करते हुए फिर यहाँ आएगी और यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ आ जाएगी। फिर हम लेंगे सपोर्ट, सपोर्ट के लिए यहाँ से शुरू करेंगे। एक ये होगा पॉइंट, फिर एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट लेंगे, उसके बाद सीधा इन दो पे टच करेंगे और ये होगी सपोर्ट का, ये सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट के बाद यहाँ पे कुछ बेस बन रहे हैं, ठीक है। कैंडल रिटेस्ट भी हो रही है, सपोर्ट बन रहे हैं, सपोर्ट टूट रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन बन रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन भी टूट रहे हैं, ठीक है। और कुछ पैटर्न बन रहे हैं और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ सपोर्ट, जो सपोर्ट है रिस्ट्रिक्शन बदल रहे हैं और नेकलाइन बन रही है तो, और मेजर सपोर्ट बन रहे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रिस्ट्रिक्शन की जो मेन लाइन है, जो मेन पे एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, उसकी ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। तो मैंने पहले बोली थी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम यहाँ से लेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हुए ये जोड़ेंगे और बस फिर उसे हम क्रॉस कर देंगे। कहाँ से इसको क्रॉस करेंगे हम, यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से ली, इसको जोड़ा और ये हो गया आपकी क्रॉस कर दिया, ठीक है। एक तो ये हो गई, उसको मैंने बोला था सपोर्ट की लाइन लेंगे, वो लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो सपोर्ट जो है कहाँ से है, यहाँ इसको जोड़ा, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करा, ये आया और फिर सीधा इन दोनों को, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन हो गया आपका, ये सपोर्ट हो गया, सॉरी ये सपोर्ट है। मैं यहाँ लिख दूँ सपोर्ट, सपोर्ट का क्या है, ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की क्या है, ट्रेंड लाइन। सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हो गई है। अब सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आपको कुछ और भी दिख रहा हो, जैसे कि एक एरिया बताता हूँ, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये क्या है, यहाँ पे सपोर्ट और डिमांड जोन बना हुआ है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये सपोर्ट और डिमांड जोन, ये तो सपोर्ट की क्या होगी, ट्रेंड लाइन लगाई है, ठीक है। एक पॉइंट ये लिया था, एक पॉइंट ये लिया था और दो पॉइंट यहाँ लिए, ठीक है। यहाँ सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हो गई, आगे भी जा सकती है ये, मार्केट क्लोज गिरता है इसे रिस्ट्रिक्शन, ये आगे भी जा सकता है, पर क्या हुआ है वो ब्रेक हो चुका है। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये अब सपोर्ट का काम करेगा, रिस्ट्रिक्शन ही वाला, ठीक है। जब बिगर ब्रेक हो जाता है ना ये, तो वो सपोर्ट का काम कर जाता है। जैसे ये भी ब्रेक हो जाती है कल को, इसके नीचे आता है तो ये रिस्ट्रिक्शन की चल जाएगी, बन जाएगी, पर ये सपोर्ट बन जाएगा। अब ऊपर से आएगी, अगर ये आगे जाए तो ये इसको यहाँ पे कहीं फिर से फर्दर रोकेगी और मार्केट को यहाँ से पुल बैक देगी, ठीक है, अगर ये आगे जाती है तो, ठीक। उसके बाद मैं करता आपको कि यहाँ पे क्या बन रहा है, डिमांड जोन बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक ये है, एक ये है, फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो ये क्योंकि वीक का अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे आया, फिर इन दोनों ने भी इसी एक एरिया से लिया और फिर यहाँ पे आके मार्केट ने रुका भी है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम, जो बेसिकली क्या हुआ, सपोर्ट जो था वो क्या हुआ, एकदम बदल गया रिस्ट्रिक्शन। तो मैं लेता हूँ पहले ग्रीन लाइन ले लेता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है, ग्रीन लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से मैं ग्रीन लाइन लूँगा, यहाँ से पूरी नहीं लेनी हमको, हमको सिर्फ वहीं तक लेनी है, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट बन गया है। मैं यहाँ तक क्यों ले रहा हूँ, क्यों, मार्केट इसके बाद बन गया रिस्ट्रिक्शन में, तो मैं यहाँ से रेड ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लूँगा, रेड लूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से अब रिस्ट्रिक्शन, ग्रीन मतलब सपोर्ट है और रेड मतलब रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मैं लिख दूंगा ताकि समझ भी आए।
वैसे ही यहाँ पर भी एक और लाइन जो बता रही है डिमांड, ठीक है, ये डिमांड बता रही है, ठीक है, ये मैं पूरी करूँगा, यहाँ मैं बताऊँगा अभी आपको, वो रिस्ट्रिक्शन ही रहेगा, ये सपोर्ट बन गया क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये जो मैं आप इस सोच रहे होगे, मैंने पहले वो रेड ली थी, पर एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ इसको पूरी ग्रीन लेने का मतलब है ये जो है सपोर्ट एरिया है, ठीक है, मेजर सपोर्ट एरिया है। हाँ, यहाँ से मार्केट गिर चुका है, डिस्ट्रिक्शन टेस्ट भी कर चुका है, पर यहीं बस कुछ एरिया में वो कहूँगा यहाँ पे वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बनाया उसने, ठीक है, और यहाँ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बनाने की कोशिश करी है, बाकी जो वो हैगा सपोर्ट का ही काम करेगा, ठीक है। मैं चलो इसको इतना एरिया को बोलूँगा रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है बस, उसके बाद ये पूरा फिर क्या है, ये सपोर्ट का ही काम करेगा ये, ठीक है, ये सपोर्ट का ही काम करेगा। तो ये क्या है, मेजर सपोर्ट जोन है एक तरीके से, और साथ में डिमांड जोन भी है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिमांड, ये डिमांड जोन भी है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं बाहर लिखता हूँ ताकि समझ में रहेगा, और इसके बाहर में यहाँ लिख देता हूँ, इसको तो यहीं लिख देता हूँ, मेजर मेजर सपोर्ट जॉन, और ये जो है डिमांड, ठीक है, ये जो एरिया है आपका, ये पूरा क्या है डिमांड का, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है डिमांड का, यहाँ सप्लाई रही थोड़ी देर के लिए, ये सप्लाई एरिया हुआ, फिर से ये डिमांड एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, एस लिख रहा हूँ खाली, मैं एस से आपको समझ नहीं आएगा, पर मैं एस यू लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, सप्लाई, सिर्फ यही जोन है सप्लाई का, सिर्फ इतना जोन, इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं सप्लाई जोन है, ये मैं आगे बता दूंगा वो मैं, ठीक है, सप्लाई जोन है क्योंकि मार्केट ने आज थोड़ा सा मार्केट को रिस्ट्रिक्शन मिला और मार्केट डाउन ट्रेड में चलता रहा, तो ये क्या हो गया रिस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया सपोर्ट, मैंने लिख दिया पहले मेजर सपोर्ट, तो सपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या बन रहा है इसमें जो है, मैंने पहले जो बताया था आपको तीन पॉइंट बताए थे, वो कौन से पॉइंट थे तीन, एक ये पॉइंट था, उसके बाद ये पॉइंट था, और ये थी, ये तीन पॉइंट, ठीक है, ये जो है एक रिस्ट्रिक्शन बन चुका है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन पहले सपोर्ट थे प्रीवियसली, यहाँ पे ये इस एरिया में सपोर्ट थे ये, फिर ये रिस्ट्रिक्शन बन गया, इसे बोलते हैं सिंपल रिस्ट्रिक्शन बिकम सपोर्ट, है रिस्ट्रिक्शन टर्न सपोर्ट, है सपोर्ट टर्न रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे पहले, कि यहाँ पे थे अच्छे से अच्छे खास सपोर्ट, बाद में हो गए रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ग्रीन का मतलब सपोर्ट है और रेड का मतलब रिस्ट्रिक्शन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इन तीनों पे इसको बोलेंगे सपोर्ट टर्न रिस्ट्रिक्शन। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे, यहाँ कुछ कैंडलें बनी जो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के लिए तैयार हुई, ठीक है, जो जैसे कि कैंडल एक बनी कैंडल, ये वाली कैंडल जो है मैं बताता हूँ, ये एक कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल को देख रहे होगे आप, ये कैंडल क्या है सपोर्ट ब्रेक डाउन, इसने क्या करा, इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया और उसने वहाँ से मार्केट को नीचे गिरा दिया इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल ने इसको यहाँ से नीचे गिरा दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ सपोर्ट ब्रेक डाउन कैंडल, मतलब एक बार उसने सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दिया है, क्लोज दे दिया है, मतलब अब मार्केट जो है उस एरिया में वापस नहीं जाएगा जल्दी से, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक डाउन कैंडल, सपोर्ट BD, सपोर्ट BD का मतलब है सपोर्ट ब्रेक डाउन कैंडल। अब एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ से, कि मार्केट ने इन दो कैंडलों पे क्या करा, रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट कैंडल बोलते हैं इनको हम, कि मार्केट जो है ऊपर गया और रीटेस्ट करके वापस नीचे आ गया, तो क्या हुआ मार्केट ने यहाँ पे इन दो कैंडलों को, ठीक है, ये बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं रीटेस्ट, रीटेस्ट
कैंडल। आई होप आपको समझ रहा होगा, चार्ट छोटा है। आप अगर MMTC का चार्ट खोलेंगे एक वीक का, और अगर आप ये लगा पाएंगे अपने इसमें खोलेंगे और देखेंगे जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आपका, या ट्रेडिंग व्यू पे लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का लिखा मैंने, ट्रेडिंग व्यू पर लगा सकते हैं, खोल ले सकते हैं उस पर। खाली लॉगिन करना होता है उस पर, लॉगिन करेंगे देख लेंगे, तो आप चार्ट खोलोगे तो और सही समझ आएगा आपको चार्ट चार्ट में। अपने साथ साथ वो चार्ट पे देखते जाएंगे मैं कौन कौन सी कैंडल बता रहा हूँ। उसे रिटेस्ट किया और वापस फिर से मार्केट डाउनवर्ड में आ गया, जैसे रिटेस्ट लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया है, राउंड बॉटम बेस बनाया। कहाँ बनाया है मार्केट ने, जहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लाइन दिख रही है ना आपको, ये डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ट्रेंड लाइन, इसी के ये बेस पे उसने क्या बनाया, राउंड, मैं लिख देता हूँ राउंड बॉटम बेस, राउंड बॉटम बेस बनाया। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट अपनी नेकलाइन बना रही है। नेकलाइन क्या होगी मार्केट की, वो होगी मार्केट जब इस रिस्ट्रिक्शन को जब पूरा करेगी तो वहाँ एक नेकलाइन बनेगी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं बता देता हूँ, जब ये यहाँ से यहाँ पे जब आएगी उसे हम उसी को नेकलाइन बोलेंगे जब वो पूरा करेगी। ठीक है, और यही पहले टारगेट भी होगा, यही पहला टारगेट भी होगा, राउंड बॉटम का टारगेट जो है पहला वो आपका यही होगा 44 के पास। ठीक है, टारगेट टारगेट है ये फर्स्ट। ठीक है, ये पहला टारगेट होगा जो नियर टर्म में मिलने को है। ठीक है, साथ साथ में आपको मैं इसमें बता देता हूँ आपको इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस क्या लेना है। ठीक है, ताकि ये होगा कि आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। इसमें लॉन्ग टर्म भी बनेगा, पर मैं भी आपको पहले शॉर्ट टर्म को बता दीजिए, मतलब ये नियर फ्यूचर में लग सकते हैं मिल जाएगा टारगेट। क्यों लिया है मैंने ये समझना जरूरी है आपके लिए। आप टारगेट को भूल जाओ, अभी मैंने लिया क्यों, ये मेजर मेन बात होगी इसमें। मैंने लिया इसलिए है ये वाला, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ पूरी, फिर मटा दूंगा ये लाइन, ये जो पॉइंट थे ना, ये वाले पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये 1, 2 और 3, इन पॉइंटों को लेते हुए मैंने माना कि ये जो अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ब्रेकआउट हो गए मैक्सिमम, पहले इनको टेस्ट करेगी जाके। ठीक है, क्योंकि मेजर है, वीक के लगे हुए हैं, मेजर हो गई है। ठीक, ये क्योंकि सपोर्ट जो था टर्न ओवर रिस्ट्रिक्शन में बनाए, तो यहाँ टाइम लगेगा, मार्केट यहाँ से एक बार फिर मार्केट डाउनवर्ड के लिए भी आएगी, फिर यहाँ से हो सकता है, ये नहीं एकदम लगते ही चढ़ जाएगी ऊपर, नहीं, मार्केट थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट करे या एक मूव डाउन भी दे दे, नीचे का मूव दे दे। जो भी पहला इसका यहाँ पे मैं कहूँ, जो भी पहला यहाँ पे जो बनेगा रिस्ट्रिक्शन बनेगा यहाँ पे, इसके रिस्ट्रिक्शन जो भी रिस्ट्रिक्शन एरिया बनेगा यहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शन एरिया बनेगा उस पर पहले रुकेगा आगे। ठीक है, अभी एकदम से यहाँ चढ़ा, ठीक है, एक आध कैंडल बनाएगा जो विक बनाएगा साथ में, हर बार ऐसे होता है विक बनाएगा, जब ये मार्केट इसको छूने आएगा वहाँ से ये टेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने आएगा, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट होगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका बताने का मतलब ये था कि टारगेट कैसे लिया जाता है। ठीक है, टारगेट सेट किए जाते, कैसे किए जाते हैं, टारगेट सेट हो गया, ये टारगेट है। उसके बाद एंट्री और स्टॉप लॉस, मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ आपको और एंट्री भी बता देता हूँ। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री तो ये है कि मार्केट ने अपना ये जो है ब्रेकआउट हो चुका मार्केट। ठीक है, ब्रेकआउट कैंसिल कैंडल कौन सी है, ये जो तीन कैंडल दिख रही है ना आपको, ये तीन कैंडल, ये वाली कैंडल जो है ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट हो चुकी कैंडल। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गई है, ये ब्रेकआउट कैंडल है जो कि ब्रेकआउट हो गई है। यहाँ से मार्केट अब जो है तैयार हो गया है यहाँ से निकलने के लिए ऊपर के लिए। ठीक, तो यहीं पर अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसके पास, जैसे मंडे को मार्केट खुला और मार्केट ने अगर ट्राई किया है, ठीक है, इसके पास आने का, मतलब ये लाइन जो दिख रही है आपको 35 के पास, 35 और 15 के पास, ये यहाँ पे नहीं होगी, तकरीबन 34 के पास, 33 34 के बीच में होगी, तो आपको लेना भी क्या है, अगर मार्केट आता है नीचे तो अगर आपको चांस मिले तो 34 जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा आपका 34.550। ठीक है, अगर चांस मिलता है तो, नहीं अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आप ले सकते हैं इसको। यहाँ अगर चांस मिलता है, इसके ऊपर कहीं चांस मिलता है 35 के ऊपर, 36 के ऊपर अगर चांस मिलता है, अगर मार्केट खुलता है वहीं पर ही, 36 के ऊपर खुलता है और मार्केट पहले घंटे में ही 37 की तरफ चला जाता है, ठीक है, 36 छोड़ के 37 चला जाता है, तो एक घंटा रुक के पहले घंटे मत लेना। ठीक है, 37 चला जाता है, अगर अगर ऐसा होता कि 37 38 39 चला जाता है तो फिर आप
फिर बिल्कुल मत लेना फिर, क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट एकदम जाता है फिर वापस नीचे भी आता है। अगर 37 जाता है पहले घंटे में और फिर उसके बाद वो टेस्ट करने आता दोबारा 36-37 में ही रहता, अगर फिर वो 36-37 में ही घूमता रहता है तो आप वहाँ पे बाइंग कर लेना, फिर 36-37 में घूमता रहता है तो आप फिर डेफिनेटली बाई करना, नहीं अगर तो वही 34-50 के पास एंट्री बनाने की कोशिश करना। और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो होगा क्या, वो रहेगा आपका इन कैंडलों के नीचे, ये है ये 32 का SL, यहाँ पे SL है मैं लिख देता हूँ, SL क्या है 32 का, 32 का SL है। टारगेट जो है शॉर्ट टर्म टारगेट बताए मैंने ये 44 के, ठीक है ये जो है शॉर्ट टर्म टारगेट है ST शॉर्ट टर्म, ठीक है वो क्या है 44 44 के, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है, लॉन्ग टर्म के टारगेट नहीं है। लॉन्ग टर्म के टारगेट बताऊंगा कैसे बताऊंगा वो भी बता दूंगा आपको साथ साथ में मैं। तो ये सब चीज़ें बता दी मैंने, मेन मेन चीज़ें बता दी हैं ठीक, कि यहाँ मार्केट में क्या क्या हो रहा है। जैसे कि मैं दोबारा बता दूँ, ये रिस्ट्रिक्शन का रिस्ट्रिक्शन था ठीक है, वो ब्रेक हो चुका है, यहाँ ब्रेक किया रिस्ट्रिक्शन ने, ये सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन बना, पहले डिमांड जोन था, ये सप्लाई जोन बना, फिर से भी डिमांड जोन बन जाएगा क्योंकि वो दोबारे से ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये क्या बनेगा आपका डिमांड जोन, ठीक है यहाँ से डिमांड जोन बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, रिस्ट्रिक्शन था इसके नीचे सपोर्ट की लाइन हो जाएगी। पर SL क्या है 32 का, SL आपको 32 का ही रखना है ठीक, वो नहीं बदलना है। यहाँ सपोर्ट की ट्रेंड लाइन खींच लगाई थी मैंने, एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन लगाई थी यहाँ पे, यहाँ उसे राउंड बॉटम बेस बनाया अपना, और मार्केट ने क्या करा यहाँ सपोर्ट ब्रेकडाउन किया इस कैंडल पे, इन कैंडलों पे मार्केट ने, दो कैंडलों पे मार्केट ने सपोर्ट ब्रेकडाउन किया और मार्केट फिर डाउनवर्ड में चला गया, और फिर उसके बाद मार्केट ने अपना राउंड बॉटम बेस बनाया। उसी को देखते हुए राउंड बॉटम बेस को ब्रेकआउट होते देखते हुए ये पहला टारगेट बनाया गया, क्योंकि प्रीवियस जो है तीन कैंडलों ने अच्छा यहाँ रिस्ट्रिक्शन बना दिया। अब वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ डेफिनेटली फेस करेगा आने वाले वक्त पे, उसमें कोई वो नहीं है, ये अनडाउटेड है, वो जो रिस्ट्रिक्शन है अब पहले उसको फेस करेगा ही करेगा ठीक है। हाँ अगर इस बीच कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आई थी इस MMTC के इस बारे में ही तो बात अलग है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, नहीं तो यहाँ से ब्रेकआउट ये नहीं होगा, पहले रिस्ट्रिक्शन यहाँ फेस करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है। यहाँ पे मार्केट इन दो कैंडलों मार्केट डिटेच किया, डिटेच का मतलब सपोर्ट तोड़ने के बाद, मार्केट जब सपोर्ट तोड़ता है ना अपना, एक बारी जब सपोर्ट टूटता है या फिर रिस्ट्रिक्शन टूटता है तो मार्केट एक बार उस वाले लेवल को जो सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन था उसको चेक करता है और फिर एक फर्दर फॉल देता है, इसे बोलते हैं रीटेस्ट, इसको बोलते हैं हम रीटेस्ट करना। ये हर उसमें होता है चाहे निफ्टी 50 हो चाहे कुछ भी हो, चाहे अब मैं कहूँ यहाँ से मार्केट ने रिस्ट्रिक्शन था, ये मार्केट आया यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया रिस्ट्रिक्शन पे फेस, ये सपोर्ट था ऊपर गया, इसमें यहाँ ये होगा और इसमें यूँ होगा ठीक है। मतलब जो सपोर्ट जब ब्रेक करेगा, वो जब सपोर्ट ब्रेक करेगा, मैं अच्छे समझा देता हूँ, कहने का क्या मतलब है, जब सपोर्ट होगा मार्केट ऊपर से आया नीचे गया फिर उसने जाके क्या किया उसको रिस्ट्रिक्शन बनाएगा ठीक है, तो क्या करेगा रिटेस्ट करेगा और वो रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा, रिस्ट्रिक्शन बनेगा हल्का सा ऊपर जा सकता है ठीक है, रिस्ट्रिक्शन रिटेस्ट करा रिस्ट्रिक्शन बना और फिर फर्दर फॉल आया, ये क्या हो गया रिटेस्ट हुआ सपोर्ट साइड से ठीक है, रिटेस्ट हुआ कहाँ से सपोर्ट साइड से रिटेस्ट हुआ, ये फ्रॉम सपोर्ट साइड ठीक है। अब ऊपर भी यही सीम होगा, ऊपर क्या होगा अभी क्या है यहाँ से जब चढ़ेगा मार्केट ठीक है, यहाँ से मैं कहूँ यहाँ से मैं बनाता हूँ ये कैंडल, ये वाली कैंडल जो है ये जो कैंडल है अब इसको ये वापस ऊपर गई, अब ट्रेंड बदली और फर्दर ये मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ से ये ऊपर गई, अब जब रिस्ट्रिक्शन को ऊपर गई है तो क्या हुआ एक फॉल आएगा जो इसको टेस्ट करेगा और फिर वो ब्रेकआउट होगा ऊपर के लिए ठीक है। ये भी क्या हुआ रिटेस्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइड ठीक है, सेम है बस क्या होगा रिस्ट्रिक्शन हुआ रिस्ट्रिक्शन साइड, ये तो ये होता रिसेट
रीटेस्ट करने का तरीका है। रीटेस्ट करता है जब कैंडल या मार्केट में कोई रीटेस्ट होता है, तो ऐसे ही होता है जब सपोर्ट साइड से होगा तो ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, और डिस्ट्रिक्शन साइड से ऐसा होगा। ठीक है, मैं हटा दूंगा ताकि यहाँ पे आपको मैं अगले फर्दर टारगेट बता सकूँ फ्यूचर के। अब आते हैं फर्दर, देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म टारगेट। एंट्री बता दिया मैंने, स्टॉप लॉस बता दिया मैंने, और अब मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग टर्म के टारगेट। लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या होंगे, जो मैंने रिस्ट्रिक्शन की मेन लाइन ली थी ना ये वाली, तो इसी का देखते हुए हम क्या लेंगे, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म टारगेट। ठीक है, ये हो गया आपके LT, लॉन्ग टर्म टारगेट 64 के। मैं यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ नहीं लिख रहा, मैंने यहीं लिख दिया। ठीक है, समझ जाएंगे आप। ठीक, यहाँ पे है 64, यहाँ पे 64 का टारगेट है। क्यों लिए हैं, क्योंकि प्रीवियस जो है एक बहुत बड़ा विग है, कैंडल की विग दिख रही हो कितनी बड़ी विग है। ठीक है, तकरीबन ये रही होगी जनवरी के आसपास रही होगी 2022 में। ठीक है, जनवरी फरवरी में रही होगी, ये कैंडल वीक की है, तो कितनी अच्छी है देख सकते हैं आप, एकदम बड़ी है, तो इसका भी डिस्टिंक्शन लेना बनता है। और ये भी दिख रहा होगा आपको एक, और ये भी है, ये जुलाई में 2021 के पास जुलाई में है, तो ये तो बहुत मेजर डिस्टिंक्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जो आपको डेफिनेटली फेस करना ही करना है, जब ये 64 पे जाएगा डेफिनेटली फेस करेगा, अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ ना आ जाए। अगर न्यूज़ आ गई तो बातें अलग हो जाती है, फिर तो स्टॉक फिर चलते ही रहते हैं। ठीक है, उससे पहले ये यहाँ तो फेस करेगा ही करेगा। बाकी वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है इसमें, ये दिखा बता देता हूँ, ये वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है अच्छा खासा, वॉल्यूम बिल्डअप अच्छा हो रहा है शेयर में। ठीक है, तो एंट्री क्या है 32 की, सॉरी स्टॉप लॉस 32 का, एंट्री क्या है 34.50 पैसे, और टारगेट शॉर्ट में 44 रुपये और लॉन्ग टर्म में 64 रुपये का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और शेयर लेके आए थे, क्या क्या हमने लगाया, रिस्ट्रिक्शन लाइन लगाई हमने, सेम डिमांड जोन दोबारा देखा, डिमांड जोन कैसे होता है, आज नया था रीटेस्ट कैसे करती है कैंडल, रीटेस्ट भी देखा। ठीक है, सपोर्ट ब्रेकडाउन कैसे हुआ, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट भी देख लिया, डिमांड जोन तो पहले ही बात करते हैं, सपोर्ट ट्रेंड की बात बता चुके हैं, और नया था राउंड बॉटम बेस बनाया मार्केट ने यहाँ पे। ठीक है, सप्लाई जोन बना यहाँ पे, ये सप्लाई जोन बना, ये भी नया था, सप्लाई जोन बन गया। ब्रेकआउट कैंडल जो पहले बताता रहता हूँ, ब्रेकआउट कैंडल देख ली, नया टारगेट देखा, कैसे देखा मैंने टारगेट, शॉर्ट टर्म में टारगेट देखिए और लॉन्ग टर्म के टारगेट देखिए, और वॉल्यूम बिल्डअप भी हो रहा है इसमें। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा, ना समझ आए एक बार आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी जानकारी के लिए, निफ्टी की जानकारी के लिए, एनालिसिस के लिए, स्टॉक के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।